नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को जम्मू क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए और हम जम्मू संभाग को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ेंगे। हम पूरी तरह से अपने राज्य में भेदभाव पूर्ण राजनीति के खिलाफ लड़ाई छेड़ेंगे। चौधरी लाल सिंह ने राजनीतिक दलों को निशाना बनाते हुए कहा कि भले ही वे सत्ता में ही रहे हों या विपक्ष में, उन्होंने जम्मू के लोगों के लिए कुछ नहीं किया और न ही उन्होंने जम्मू के लोगों को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका छोड़ा है। चौधरी लाल सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि डोगरों की पहचान भाजपा सरकार ने खत्म कर दी है, इसलिए अब डोगरों की पहचान वापस लाने के लिए डोगरा स्वाभिमान संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, तभी डोगरे शान से अपनी पहचान वापस ले सकते हैं। और इस दौरान लोगों पर सरकार की कार्रवाई को गरीबों पर तानाशाही कदम करार देते हुए कहा कि सरकार की ओर से जिस जमीन को खाली किए जाने संबंधी नोटिस दिए जा रहे हैं, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौधरी लाल सिंह ने कहा कि सरकार के ऐसे आदेश गरीब और किसान विरोधी हैं जो उसी जमीन पर आश्रित हैं, इससे वे अपने परिवार का किसी तरह से भरण पोषण करते आ रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिस भूमि पर वे पिछले कई वर्षों से खेती कर रहे हैं, आज उसे छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इससे बड़ा तानाशाही कदम और क्या हो सकता है। गरीब पहले से ही महंगाई की मार से उब नहीं रहे हैं और आए दिन जम्मू कश्मीर में नए कानून और आदेश लागू कर जनता को परेशान किया जा रहा है। अब उक्त मुद्दा बर्दाश्त से बाहर है। जब तक हक नहीं मिलता या आदेश को वापस नहीं लिया जाता, तब तक वे संघर्ष जारी रखेंगे, क्योंकि जो भूमि उनकी रोजी रोटी का सहारा बनी है, उसे ही छीन लिया गया तो वे बेकार हो जाएंगे। चौधरी लाल सिंह ने आज तहसील बसोहली के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में गांव में दौरा किया और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की समस्याएं सुनी। कठुआ से हमारे संवाददाता विकास पंडित की रिपोर्ट। तो दौरे का मकसद बड़ा क्लियर है कि हम अपनी पार्टी खड़ी कर रहे हैं और पार्टी में अपने जो लोग हैं उनको जगह दे रहे हैं और किसी को अहदेदार नियुक्त किया जा रहा है, काम बांटे जा रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय जो है उसका मुकाबला बड़ी शिद्दत के साथ हम लोग करेंगे, मेरे लोग करेंगे। उसके लिए तैयारी सारी चल रही है। तो जो जायतियाँ जुल्म हो रहे हैं लोगों के साथ, उन सारी जायती जुल्म के खिलाफ मेरी पार्टी, मेरे लोग, मेरे लोगों की पार्टी मजम्मत कर रही है, लड़ रही है इनके साथ, और उसी के मुतलका हम लोग इन इलाकों में घूम रहे हैं। और कल कभी कठुआ हैं, कभी बसोली हैं, कभी बनी हैं, कभी बिलावर हैं, वी आर डूइंग दैट। लोकतंत्र में इस तरीके की जो लोगों के मसले मसाइल होते हैं उसके लिए उनका अधिकार है, ये लोकतंत्र है, फंडामेंटल राइट्स हैं उनके, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं कि वो बैठ सकते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ जबकि दूसरे लोग हुकूमत कर रहे थे इस देश में, विदेशी लोग, ब्रिटिशर्स, उनके खिलाफ गांधी जी धरना देते थे सारे दे, ऐसी अत्याचार तो उन्होंने भी नहीं किया कि आगे लाठियां जला दी। अहिंसा में जब बंदा नॉन वायलेंस तरीके से जब कोई अपनी मांग रखता है, उसको रोकने का मतलब नहीं है, उसको मारने का मतलब है। अगर उस उनके घर का घेराव करने की बारी आई तो क्यों आई? क्योंकि उन्होंने उनको विश्वास जितने बार दिए वो झूठे निकले, धोखा निकला। उस झूठे विश्वास के कारण उनका उसी के पास, और आज जम्मू में हुज रिप्रेजेंटिंग जम्मू कश्मीर, जो झूठी और जिसने बनाई, कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो मेंबर पार्लियामेंट, और मेनली यही है जिनके वो घर गए थे, इन्होंने उनको मरवाया। ये अब लोग इनको मारेंगे, आने वाला समय इनको देखेगा, इनकी हालत ठीक नहीं होगी। लेकिन डेली बेजर को मैं कहना चाहूँगा, भाई साहब ऐसे मत जाना। आपकी तादाद 60,000 है जो वोट दिए हैं आपने, ये 60,000 को मैसेज दे के आप जिस दिन जाना 10-20 हज़ार 50-60 हज़ार बंदा लेके जाओ, कोई नहीं मारता। इसलिए मार रहे हैं आपको कि ये आप बिक बिक दिख रहे हो, आप 500 लोग थे, पुलिस आर्मी इनके पास बहुत थे, लेके मार चढ़वा दो। इनको पता नहीं है कि जब लोग सारे गुस्से में आते हैं ना, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा होगा। अब कंट्रेक्चुअल जो बच्चे जो कई वर्षों से लाने थे, मैं कह रहा हूँ कई वर्षों से वो जो बच्चे इस नौकरी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और अब ओवरेज हो चुके हैं, अब चारा नहीं है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।